अपने अंकु भाई की आर आर 310। ये देखो एक लाइट जो है ब्लैक करवा ली है और मेरी वाली भी पूरी स्टॉक है, मैंने आस्ता आस्ता करवाना। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेविल राइड्स। और कैसी है अपनी डेविल आर्मी, हो सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज का व्लॉग ऐसे ही किसी गली से स्टार्ट हो रहा है। सो यार, अभी मेरे थोड़े दिनों से ना सेहत वगैरह डाउन चल रही थी, एक हफ्ते पहले से मेरे को थोड़ा कोल्ड वगैरह हो गया था, तो मैं कोई व्लॉग वगैरह नहीं कर पाया। पर इन्हीं दो चार दिनों पहले मैंने एक बाइक ली है, सो उसका रिवील वगैरह भी नहीं किया, ना कोई व्लॉग वगैरह किया। मेरी बस मैंने एक छोटी सी स्टोरी डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे, जो जो बंदे मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि भाई मैंने नई बाइक ली है, पर अपनी मेरी यूट्यूब फैमिली को नहीं पता। अभी मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को अपनी बाइक दिखाऊंगा और बताना भाई कैसी लग रही है कमेंट करके। और अभी देखो आगे लगी है। सो ये रही गाइस अपनी RR 310। भाई इस बाइक ने ना पागल करके रखा हुआ था जब से ये आई थी ना, तब से इतना मन था इसको लेने का। और ये देखो ये वाली है मेरी बाइक। अभी आज मैं व्लॉग करूंगा, आज मेरे भाई लोग भी फ़ोन करेंगे व्लॉग के लिए। ये देखो। सो गाइस, जैसे कि आपको मैंने बाइक दिखा दी, तो ये वाली बाइक ली है मैंने। काफ़ी पहले भी ट्राई किया था इसको लेने का, पर उस टाइम पॉसिबल नहीं हुआ था किसी रीज़न से वजह से। सो अभी मैंने ले लिया, परचेज़ कर लिया। अभी अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे अपनी सपोर्ट फुल दिखाना। अभी मैं निकलता हूँ व्लॉग पे, आगे भाई लोग भी अपना वेट वगैरह कर रहे होंगे, तो सीधा मिलते हैं आपसे बाइक पे। फाइनली गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ अपने RR 310 पे, और भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है राइड करने में। और भाई अपने साथ चल रहा है अभी तभी फॉर राइडर जतिन। सो अभी मेरे को भाई सच बोलूँ 2-3 दिन हो चुके हैं इसकी डिलीवरी लिए, और मैंने ना के बराबर चलाई है, बिल्कुल चलाई ही नहीं। अभी 37.6 किलोमीटर चलाई है, अभी घर से 3 किलोमीटर दूर आकर मैंने व्लॉग ही स्टार्ट किया है। इस बाइक को लेने की इतनी ज़्यादा चाह थी ना मेरी, और फाइनली यार मैंने ये बाइक परचेज़ कर लिया है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ इसको लेने के बाद। और इसकी लुक्स जो है भाई, आपको सबको पता है कि एक नंबर है, तो इस वजह से भाई मैंने ये बाइक ली है। नहीं तो ऐसे मुझे KTM वगैरह भी बोल रहे थे यार दोस्त, भाई KTM की तरफ जा पड़े यार, उसकी लुक्स वगैरह अच्छी नहीं है, मैं तभी नहीं गया। और ये देखो क्या कर रहा है भाई, इसको मैं थोड़ा भी ज़्यादा खींचता हूँ ना तो स्पीड अलर्ट आ जाता है, तो मैं बिल्कुल ज़्यादा खींचने वाला, मेरे को मना करा है कंपनी वालों ने कि भाई 50 की स्पीड से ऊपर चलना नहीं। तो अभी 3 दिन हो चुके हैं भाई इसकी डिलीवरी को, तो अभी मैं जा रहा हूँ इसकी RC लेने, वो आ गई होगी TTS के शोरूम, तो वहीं पर जा रहा हूँ अभी RC वगैरह लेने। और उसके बाद शायद से एक काम हो रहा है, देखो स्पीड अलर्ट आ गया भाई, थोड़ा सा चलाया मैंने और कैसे आ रहा है। लिटरली गाइस यार, जब से ये बाइक आई है ना, मुझे इस बाइक को लेने का इतना ज़्यादा मन था, पर क्या करूँ बीच में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी भाई, तो मैं नहीं ले पाता था इसको। बट अब मैंने फाइनली ये ले लिया है, तो अब जो ब्लॉग आने वाले एकदम भयंकर ख़तरनाक आएंगे। सो अभी मैं पूछने ही वाला हूँ भाई TVS के शोरूम, पहले वहाँ से RC कलेक्ट करते हैं, देन देखते हैं आगे क्या प्लान है। एक और जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, आज अपना जो रहीस मलिक है भाई, उसने अपनी KTM ड्यूक की जो है भाई वो फुल मॉडिफाइड कर दी है, शायद मेरे को वहाँ भी अभी जाना पड़े, तो देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। पहले यहाँ पे चल के अपनी RC वगैरह लेते हैं भाई, फिर देखते हैं भाई क्या करना है। मैंने RC ले ली अपने RR 310 की, और अभी निकल रहा हूँ भाई मैं गुम्मट वाली साइड। अब देखते हैं भाई उन्होंने रिवील कब करनी है ड्यूक 390। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तैयार हुई है, जब मैंने उसके ग्राफिक्स वगैरह देखे थे ना कि अपना रहीस भाई वो वाली चीज़ें करवा रहे हैं उसमें, तो भाई एक नंबर लग रही थी। जब चीज़ बन के सामने आती है और ज़्यादा खतरनाक लगती है। तो अभी चलते हैं पहले वो गुल्लू भैया की दुकान पे गुम्मट में, तो वहाँ चल के देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। भाई मैंने RR 310 लिया है, और ये बात शायद से रहीस भाई और अपना राजा DC को नहीं पता है, तो देखते हैं अगर उनको पता होगा तो फिर तो रिएक्शन कुछ ज़्यादा खास आने नहीं वाला, अगर भाई पता नहीं होगा तो थोड़े बहुत रिएक्शन मिलने वाले हैं कि बताया नहीं वगैरह कुछ। अभी देखते हैं क्या सीन रहता है, चलते हैं पहले गुल्लू भैया की शॉप पर। और मुझे बाइक भी देखनी है भाई ड्यूक में कैसे ग्राफिक्स हुए हैं, पर जैसे मेरे को फोटो में दिखाए थे अगर वो वाली चीज़ बनी है ना भाई, भाई वैसी ड्यूक फिर जम्मू में भी नहीं होने वाली। जैसे भाई अंकू की बाइक है ना 1 इंच के, वैसे ही वो भी होने वाली है। बस भाई ठीक ठाक। हाँ बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल न्यू ली है। हाँ जी किसी की मांग के लाई है यार। हाँ जी अच्छी बात है ये मैंने भाई जान कैसे शफकत पीतरी बस बढ़िया। उन्होंने बड़ा खजल करा और आज लास्ट मेरे को जाके ये यहाँ मिल रहे हैं। ओ बॉस कैसे हो, थैंक यू सो मच ब्रो। बस मैंने परसों मैंने अभी इसके स्टॉक है कुछ नहीं उतारा भाई, थैंक यू सो मच। देखो ना मैंने इसकी एक लाइट ही बंद करवा दी यार। क्यों थोड़ा टाइम रखो बाकी उसे उतार देना सही लगे। चलो चलो मैं तो आपको पता है 50 की स्पीड ही चल पाऊंगा। तो गाइस इन लोगों को बिल्कुल नहीं पता था मैंने RR परचेज़ करी है, या फिर कुछ भी आइडिया नहीं था इनको टोटली। तो सो इनको एकदम मैंने सरप्राइज कर दिया, और अभी बोल रहे हैं पार्टी दो, अभी इनकी KTM की पार्टी पेंडिंग रहती है। थैंक यू सो मच, तभी तो लिए कि मज़ा आया यार सबको। अभी दो RR हो गई है भाई ग्रुप में, अभी और मज़ा आने वाला राइड करने में पता है। ओ भाई देखो स्पीड अलर्ट आ जाता है इतनी जल्दी, मैं 50-55 से ऊपर चला ही नहीं सकता। सो भाई अभी पहुँचे हम सेद्रा ब्रिज पे, और मेरे को कोल्ड वगैरह हो चुका है, और इस टाइम पे ना हवा ठंडी हो चुकी है शाम वाली। ये देखो बार बार स्पीड अलर्ट आ रहा है ब्रो। मैंने ले लिया यार
भाई रईस भाई और शफकत को अभी तक इंटरेस्ट हो रहा कि मैंने RR 310 ले ली है भाई, पता नहीं क्या चक्कर है। ट्रस्ट हो रहा नहीं हो रहा है? ओ मेरा कैमरा तोड़ दिया। ले ली है भाई, मैं बोलता रहा आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा इसलिए मैं झूठ बोल रहा हूँ। फिर मैंने बुलाया ड्यूक लिए, वो भी ड्यूक सेकंड हैंड। मैं तो मॉडिफाई, मैंने ऐसे ही, मैंने कोई व्लॉग नहीं करा, पहला व्लॉग हो रहा है अभी लेने के बाद। तो अभी बता रहा हूँ ना, अभी जीव खाने वाली है ब्रो, जीव का देखते हैं क्या सीन रहता है। भाई ये रही अपने अंकु भाई की RR 310। ये देखो एक लाइट जो है ब्लैक करवाली है और मेरी वाली भी पूरी स्टॉक है, मैंने आस्ता आस्ता करवाना है, अभी करवाऊंगा इतनी जल्दी तो घर से बहुत गफ्फे बढ़ने वाले हैं। चलिए गाइस अभी मैं चला रहा हूँ अपने राजा DC की बाइक। ओ माय लॉर्ड, ओहो कसम से मेरे का मोड़ खुलने वाले ये वाले जब मैं इतनी पावर फील करूँगा भाई। इस बाइक के सारे मोड वगैरह खुले हैं और ये एक नंबर भाग रही है पता है आपको। अब यहाँ पे ट्रैफिक है नहीं तो मैं कच्चा भगाता इसको यार। मोड खुल जाए बस जल्दी जल्दी भाई यार। ओ भाई साहब, अभी भाई पता नहीं चल रहा कितनी स्पीड में कितने में नहीं, क्योंकि इसकी TFT भाई किसी ने तोड़ दी है और ऊपर से भाई ट्रैप वगैरह हो रखा है तो कोई पता नहीं चल रहा, पर पावर फील हो रही है बाइक में। पार्टी आपको दी अभी, कैसे खुश हो ना लेके? ओके ओए हेलमेट मेरा, ओ ले रहा लड़का लेके वहाँ। सो फाइनली गाइस इन्होंने बड़ा खर्चा करा दिया मेरा आज पार्टी के चक्कर में, मेरा इधर 2000 रुपया खर्चा दिया। गाइस अभी निकल रहे हैं नेस कैफे से और ये रुके अपने भाई लोग यहाँ पे। अभी मैं ज़्यादा तेज़ चला नहीं सकता तो मेरे को थोड़ा आस्ता ही चलना पड़ेगा। और ये देखो आ जाओ आगे। ओ भाई स्पीड अलर्ट आ रहा है, बार बार आ रहा है, कुछ फॉल्ट हो गया तो वारंटी से बाहर कर देंगे बाइक को यार। देख रहा हूँ R15 कैसे जा रही है। तो फाइनली भाई लोग अभी देखो टाइम कितना हो रहा है, 8 बजने वाले हैं और ये रही अपनी RR। अभी हम यहाँ पे थे क्विक वे मॉडिफिकेशन में, अभी रीज बाइक की जो ड्यूक है भाई वो मॉडिफाइड हो रही है और देखो सारी बाइकें यहाँ पे लगी हुई है। देखो अंकू की बाइक है और ये रही इसकी RC 390। ड्यूक जो है भाई वो फुल मॉडिफाइड हो रही है, अभी आगे दिखाता हूँ आपको कैसी लग रही है। अब कवर करके रखा हुआ है तो थोड़े टाइम में इसको रिवील करेंगे और देखते हैं भाई। बाइक तो एक नंबर लग रही है, मैंने तो देख लिया है, बस आपको दिखानी है भाई थोड़ी देर में। तो भाई देखो ऊपर से ही दिख रही है, अभी लाइटिंग वगैरह भी मॉडिफिकेशन हो रखी है तो अभी आधा ही काम हुआ, आधा कल होगा तो देखते हैं कैसा सीन रहता है। अभी होने वाला है रिवील भाई। 2 3 ओ नंबर भाई लग रही है बाइक। देखो यार टायर में क्या सही चीज़ की हुई है, पूरा पूरा स्पोर्ट्स सुपर बाइक वाला टायर लग रहा है और टायर भी बिल्कुल न्यू है और ग्राफिक्स देख रहे हो भाई, ये हड्डी बनी हुई है बीच में और क्या पेंट है भाई एक नंबर। और ये देखो ये तो पहले का ही लोगो था S390 का, आदर ड्यूक का। और दो लाइट क्या सही बनाई है भाई, सारी कलरिंग चेंज हो रही है इसमें एक नंबर, ओके लग रही है भाई। ये देखो ये क्या लगाया, अच्छा अच्छा ये गिरा है अभी ऊपर से, खतरनाक लग रही है भाई। तो भाई ये रही ड्यूक 390, एक नंबर तैयार हुई है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओ खतरनाक, तो मेरी वाली तो सबसे अच्छी है, मेरा बराबर थोड़ा है कोई। अभी देखो भाई क्या मज़ा आ रहा है इस टाइम पे राइड करने का। ओहो बस बस। सो फाइनली भाई ये देखो सारी बाइक का लाइनअप लगा हुआ है, तेल वगैरह डलाने आए थे तो डला लिया है। सो इस बाइक की मॉडिफिकेशन भी हो चुकी है, अभी निकल रहे हैं घर को। और कमेंट करके बताना कि भाई आपको ये वाली बाइक कैसी लगी, जो मेरा छोटा सा सरप्राइज था वो अच्छा लगा या कि नहीं लगा। अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी एक और अच्छे से बॉम्ब ब्लॉग के साथ, तब तक ले बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज़।